मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, मेरिट्स के नाम से। ठीक है, तो इसके पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था, प्रेफरेंशियल के टाइप्स बताया था। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं एडवांटेज। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ये है, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। प्रेफरेंशियल का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ी जो है इसकी अच्छाई ये है कि प्रेफरेंशियल से कंपनी क्या होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है फंड इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, कंपनी इस प्रेफरेंस शेयर को क्या करती है, इशू करती है, क्योंकि इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है कि बहुत ही पैसे कमाने वाले ही जो पर्सन होते हैं इसमें पैसा लगा सकते हैं, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, छोटा जो है अर्निंग करने वाला इंसान भी जो है प्रेफरेंस शेयर को हायर कर सकता है, और जो मीडियम क्लास वाले होते हैं वो भी हायर कर सकते हैं, और जो बहुत बड़े हाई लेवल के जो होते हैं पर्सन जो है वो भी इसको अर्निंग प्रॉफिट करने वाले वो भी इसको हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपनी के पास तीन तरीके से इनकम आ रही है। ठीक है, तीन कैटेगरी के लोगों से इनकम आ रही है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, ठीक है, तो कंपनी के पास इस तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नो फिक्स लाइबिलिटी, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो भी कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड पे करेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई जो है कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट अर्निंग होगी तभी कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड या प्रॉफिट पे करेगी, अगर ऐसा नहीं है लॉस होता है तो कंपनी ये पे नहीं करेगी, इसलिए कंपनी के ऊपर कोई भी फाउंडेशन या कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा ये देखते हैं, नेक्स्ट है नो इंटरफेरेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कोई राइट नहीं होता है वोटिंग का। ठीक है, तो अगर ये वोटिंग राइट नहीं कर सकते हैं तो इनका बिजनेस या कंपनी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही एडवांटेज है, मेरिट है प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नो चार्ज ऑन एसेट्स। ठीक है, जैसे अगर कोई भी बिजनेस हो या कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, अगर बैंक से लोन लेना चाहेगी, लोन लेने जाएगी, तो बैंक क्या करेगा, जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि आप अपनी सिक्योरिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट से पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और पब्लिक से क्या करती है, पैसा कलेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, तो इस कंडीशन में नो चार्ज ऑन एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स या कोई भी एसेट्स जो है गिरवी रखने के लिए या कोई भी एसेट्स को कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो है डिपॉजिट नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पढ़ के बता देते हैं, प्रेफरेंस शेयर आर नो इशूड अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, द एसेट्स ऑफ द कंपनी रिमेन फ्री टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स एंड बोरोविंग। ठीक है, अगर हम कोई भी कंपनी या हम कोई भी जो है बैंक से लोन लेना अगर जाएंगे तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कोई सिक्योरिटी हमको डिपॉजिट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी क्या होती है, कह रहे हैं कि अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वैरायटी क्या है, वैरायटी जैसे कि हम लोग कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो प्रेफरेंस शेयर 5% प्रेफरेंस शेयर हो गया, 6% हो गया, 7% हो गया, तो यहाँ पे क्या है वैरायटी हो गई, बहुत सारे तरीके के कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वैरायटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी क्या है, ये क्या कहते हैं कि द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड। यहाँ पे ये कहते हैं रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स्ड है, बट जब कंपनी को हर साल अलग अलग तरीके की प्रॉफिट होगी तो उसी तरीके का प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, जैसे किसी प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ जो है डिविडेंड है 10%। ठीक है, तो कंपनी को मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट होता है वो 1 लाख रुपीज़ होता है, तो 1 लाख रुपीज़ का 10% कितना हो गया, 10,000 रुपीज़। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 लाख में 10% 10,000 हो गया, ठीक है। कंपनी ये तो नहीं करेगी हम आपको 10,000 ही देंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट ईयर क्या होता है, 2 लाख हो गया, 2 लाख पे 10% 20,000 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख पे 10% कितना हो गया, 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स्ड है, बट प्रॉफिट जो है वो हर साल जो है अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट अलग अलग होगी तो डिविडेंड भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये आज मैंने बता दिया आपको एडवांटेज एंड मेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी मेरिट की, ठीक है, डी मेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डी मेरिट, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक नाम से और जानते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्लैक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्लैक्चुएट होती है हमारी।